हेलो, गुड म�र्निंग दोस्तों। 14 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वही है ट्रिपल आई डी ई एम के बारे में। तो देखते हैं कि ट्रिपल आई डी ई एम क्या है। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है ये। यह एक थिंक टैंक है जो कि एडवांस रिसर्च सेंटर या थिंक टैंक के नाम से आपसे समझ सकते हो। इसका काम क्या है सबसे पहले तो वो देखते हैं। इसका काम ये है कि भाई इलेक्शन को एक ढंग से मैनेज करना, इसके साथ ही रिसर्च वगैरह करना, तो उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह करना ताकि इलेक्शन में जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको और ज़्यादा सुनिश्चित है वो किया जा सके। तो ये इसका बेसिक काम है। अब देखते हैं हम कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि ट्रिपल आई डी ई एम ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था ताकि इलेक्शन में जो मैनेजमेंट होता है ना उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके और जो कैपेसिटी है उसको भी डेवलप है वो किया जा सके। इसके लिए इसने ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आयोजित किया दिल्ली में। तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई एम। तो यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें वो हम जान लेने की भाई, तो ट्रिपल आई डी ई एम क्या है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक मेनली एडवांस रिसर्च सेंटर एक थिंक टैंक है जिसका काम ये है कि भाई इलेक्शन मैनेजमेंट रिसर्च ट्रेनिंग करवाना और इसी के साथ ये यूएन यूनाइटेड नेशन या डिफरेंट एनजीओ वगैरह के साथ मिलकर हेल्प या उनकी हेल्प से काम है वो करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बट एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि भाई ये यूएन का कोई पार्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यूएन की स्पेशलिस्ट एजेंसी वगैरह नहीं, यूएन के साथ मिलकर बस काम करता है, कोलेब्रेशन का इसका काम है बेसिक ये चीज़। इसके साथ ही अगली बात ये आती है कि ये किसके द्वारा ये मैनेजमेंट है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है इंडिया इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के द्वारा, आईटीईसी के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है महानदी रिवर के बारे में। तो देखते हैं क्या आर्टिकल ये है कि महानदी वाटर डिस्प्यूट है उसका ट्रिब्यूनल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया गया है। तो देखो बात ऐसी है कि सबसे पहला तो यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही पूछ सकते हैं कि महानदी रिवर का डिस्प्यूट है कहाँ कहाँ पे। तो महानदी रिवर का डिस्प्यूट है वो है मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट के बीच में इसका विवाद है वो है। अब देखो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं महानदी रिवर के बारे में। महानदी रिवर की जो लेंथ है वो है 851 किलोमीटर। एक बार इसको साथ साथ हम मैप पे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि है महानदी रिवर का मैप। इसकी बेसिक लेंथ है वो है एक्चुअली 851 किलोमीटर। और इसी के साथ यहाँ पे अहम बात ये आती है कि जो इसका मैक्सिमम एरिया है वो यहाँ पे बहता है देखा जाए तो उड़ीसा के अंदर, और कुछ हिस्सा है वो बहता है छत्तीसगढ़ में। तो पूरी लेंथ वगैरह कौन से में कितनी लेंथ है वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश है वो की है। तो देखो अभी एक इस चीज़ को लेके विवाद था कि भाई पानी के बंटवारे को लेके, जिस तरीके से कावेरी रिवर के बंटवारे को लेके था तमिलनाडु कर्नाटका में, तो सेम उसी तरीके से पानी का बंटवारे को लेकर काफ़ी बड़ा इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी कहा था कि भाई आप इस तरीके से वो बना दो, बट सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ट्रिब्यूनल वगैरह बनाने की बात की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बट अभी वापस कहने के बाद जो एक्शन है वो लिया गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी कि कहां कहां से महानदी रिवर कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करते हुए बहती है। तो ये कुछ बेसिक है। इसके साथ ही हम आगे देखने की कोशिश करते हैं इसमें और जो पॉइंट्स है वो। इसी के साथ हाँ ये है कि किसकी अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल बनाया गया वो यूपीएससी पूछ सकती है। तो जस्टिस ए एम खानविकर की अध्यक्षता में कमेटी है, पैनल है वो बनाया गया है, जो कि बनाया गया है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। तो ये चीज़ हमें को ध्यान रखनी है कि भाई किसके एक्ट बनाया गया और कौन कौन से स्टेट के बीच में पानी का विवाद है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है CIPAM के बारे में। तो देखते हैं कि CIPAM क्या है। CIPAM है वो है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे हम एक चीज़ को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार की राइट की बात आती है वो डायरेक्टली आ जाते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर का एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसके अंतर्गत ये आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे GI टैग वगैरह ये सारे आपको उसी के अंतर्गत। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज तो अब आपको ध्यान रखनी है। अब आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि भाई IPR प्रमोशन की बात है तो ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्ट्री का ही कुछ लेना देना है। हाँ ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट ये है कि CIPAM की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी आयोजित करवाई गई थी ताकि काउंटर फेटिंग है और जो रोल ऑफ इन्फोर्स एजेंसीज है उनके बारे में देखा जाए कि भाई उनका रोल ऑफ हमारे देश में जो भी इन्फोर्स एजेंसीज हैं जैसे कि पुलिस हुई, कस्टम हुई, एक्साइज वगैरह, इन सब का रोल है वो क्या है। ये सब के लिए एक तरीके से वो आप बोल सकते हो कि कौन काउंटर फीडिंग कॉन्फ्रेंस वगैरह वो आयोजित है वो करवाई की है। तो ये कुछ बेसिक है कंटेक्स्ट। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि CIPAM की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कोलब्रेशन विद यूरोपियन यूनियन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यूरोपियन यूनियन के कोलब्रेशन के साथ इसको आयोजित है वो करवाया गया। यूपीएससी पूछ सकती है कि CIPAM ने रिसेंटली किसके साथ कोलब्रेशन वगैरह किया था, क्योंकि ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इसने कोलब्रेशन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की है।
अब देखते हैं इसमें आगे इसमें होगा क्या। इसमें होगा कि भाई जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज है यूरोपियन यूनियन है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज है वो शेयर करेगा, इंडिया है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज है वो शेयर करेगा, जिससे ये होगा कि फ्रेश आइडिया है वो मिलेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनके बारे में अवेयरनेस है वो फैलेगी। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इकोसिस्टम मतलब उनके अकॉर्डिंग माहौल है वो बन जाएगा, ताकि जो भी लोग हैं जो अपनी बौद्धिक संपदा को सिक्योर करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, उनको काफ़ी हेल्प है वो मिलेगा। तो ये थी बेसिक चीज। अब हम देखते हैं आगे, आगे देखते हैं CIPEM के बाद में, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। यह एक प्रोफेशनल बॉडी है जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के बीच, जो कि आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब बात आती है अगली की इंप्लीमेंट, इसको देखो इंप्लीमेंट किया गया था, वो किया गया था नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के तहत। अब ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है ना, इसका स्लोगन ही है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो CIPEM सेल है ना वो किसके द्वारा सेट की गई है, वो की गई है नेशनल IPR पॉलिसी के द्वारा, जिसका स्लोगन है वो है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। काम क्या है इसका, काम इसका यही है कि भाई पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड टू IPR, इसके साथ ही IPR जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करना, लोगों को बताना किस तरीके से आपको राइट वगैरह लेने हैं, किस तरीके से आप अपने राइट वगैरह की सुरक्षा है वो कर सकते हो। तो उसके बारे में इसका जो बेसिक काम है वो है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है आइस गेट के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है आइस गेट और क्या हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। देखो आइस गेट है ना वो मेनली है इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स गेटवे। अब यह मेनली एक प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ आपको बेसिक बता दूं कि है एक प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसका पुराना नाम था वो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि देखो अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स जो सॉरी एक्साइज एंड कस्टम, वो आपको पता कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह वो सारी सबमर्ज कर दी गई है इनडायरेक्ट टैक्स में, मतलब GST वाले में। तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो ये चीज़ आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है किसके द्वारा इसे बनाया गया है। अब ये प्लेटफॉर्म करेगा क्या, ये प्लेटफॉर्म ये करेगा कि देखो इंडिया का जो भी इंडिया के साथ जो भी कोई कंपनी ट्रेड जो भी कोई कंट्री है कोई भी ट्रेड कर रही है या फिर कोई भी कार्गो वगैरह इधर से उधर जा रहा है, तो उसकी ऑब्वियसली आपको पता है काफ़ी सारी डाटा एंट्रीज होती हैं कि क्या सामान है बहुत सी क्या क्या किस तरीके का सामान, मतलब एक तरीके से जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की जो डिटेल एंट्री करनी होती है वो पहले होती थी मैनुअल। तो मैनुअल करने में काफ़ी सारा टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, कई बार क्लियरेंस वगैरह लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि इसमें सारा काम हो डिजिटल हो सके, डॉक्यूमेंट ETC वगैरह सारे ऑनलाइन रहेंगे, तो जिसकी वजह से टाइम है वो बचेगा और जो ट्रेड है उसकी स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए इसको स्टार्ट है वो किया गया। तो ध्यान रखना कि आइस गेट वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है वो है माइल्स 2018 के बारे में। तो माइल्स 2018 ये मेरी जो मिलन एक्साइज है उसी का दूसरा नाम है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलन एक्साइज के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि यह अंडमान में नेवल कमांड के द्वारा इसको होस्ट है वो किया गया। और एक चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसमें मालदीप ने पार्टिसिपेट इस बार नहीं किया, मालदीप ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई मालदीप इस बार पार्टिसिपेट है वो नहीं कर रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ ये UPSC पूछ सकते हैं कि माइल्स 18 या मिलन एक्साइज के बारे में, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखते हैं आगे, आगे एक छोटे से कैंपेन के बारे में, वो है क्लीन सी कैंपेन है। उसका मेन मोटो ये है कि भाई हमारे जो सीज हैं पूरे जो समुद्र है ओशियन है इनको एक्चुअली क्लीन रखा जा सके, क्योंकि इनमें काफ़ी प्लास्टिक कचरा है वो फैलता जा रहा है, तो उन सबको बचाने के लिए ताकि सी के ऊपर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट है वो ना हो, क्योंकि सी में काफ़ी सारी स्पीसीज रहती हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं कचरे की वजह से। तो जो कचरा है उसको खत्म करने के लिए कैंपेन है वो चलाया गया है। अब यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के द्वारा 2017 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लीन सी जो कैंपेन है वो 2017 में यूनाइटेड इन्वायरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। काम क्या है इसका, इसका काम यही है कि भाई जो सी में जो पोल्यूशन है ना प्लास्टिक वगैरह इसको कंट्रोल करना, इसको कम करना, इसको हटाना, तो सभी कंट्रीज इसके साथ मिलके आ रही हैं ताकि इस चीज में आगे अग्रसर है वो कदम बढ़ाया जा सके। अब इसके में क्या क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट है वो इंगेज होंगी एक साथ आएंगी, इसके साथ ही जनरल पब्लिक को भी एक साथ लिया जाएगा, NGO को भी एक साथ लिया जाएगा, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर सबको एक साथ लेके कुल मिला के काम ऐसे है कि जो भी लोग या जो भी सोसाइटी ग्रुप वगैरह आ सकते हैं उन सबको मिला के साथ चला जाए और जितने भी जो पॉल्यूशन वगैरह फैल रहे हैं उसको कंट्रोल है उन पर लगाम है वो लगाए जा सकें। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया IIIDEM के बारे में, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, उसके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था जिसका मेन मोटो ये था कि भाई जो भी इलेक्शन होते हैं उनमें मैनेजमेंट किस तरीके से हो, उसके साथ रिसर्च वगैरह की जा सके, बेस्ट प्रैक्टिसेज वो शेयर की जा सकें। और जो IIIDEM है वो एक एडवांस रिसर्च सेंटर या थिंक टैंक है जो कि यूनाइटेड नेशन ETC के साथ मिलकर काम करता है।
अब इसके साथ हमने अगली जो न्यूज डिस्कस की थी वो की थी महानदी रिवर के बारे में, कि महानदी रिवर है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में बहती है, तो इन दोनों के बीच में विवाद था, तो अभी ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। किसकी अध्यक्षता में वो बनाया गया है? जस्टिस एम खानवीर की अध्यक्षता में नया ट्रिब्यूनल वो बनाया। नेक्स्ट न्यूज थी वो डिस्कस की थी CIPAM के बारे में, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब है क्या इसका काम ही है कि भाई जो भी IPR के राइट्स हैं उनको बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि आप किस तरीके से अपने IPR राइट को प्रमोट वगैरह कर सकते हो। इसके साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे नेशनल IPR जो पॉलिसी है वो उसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है सेल को, और इसका स्लोगन हुआ है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया। इसके साथ ही हमने आइस गेट के बारे में डिस्कस किया, तो आइस गेट एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन जो कस्टम्स वगैरह होते हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए, ताकि कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह में, ट्रेड वगैरह में, कार्गो कैरियर वगैरह को डिले वगैरह ना हो, डिजिटल एंट्री को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ ही हमने माइल्स 18 के बारे में डिस्कस किया, जो कि मिलन एक्सरसाइज का दूसरा नाम है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज है वो नहीं होना है। क्लीन सी कैंपेन क्या है? क्लीन सी कैंपेन में ये रखा गया कि भाई सी है उनको क्लीन रखना है, प्लास्टिक कचरे वगैरह को लगाम लगाने, क्योंकि प्लास्टिक का वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सी स्पीसीज होती हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कई बार वो उसको खा जाती हैं तो उसकी वजह से उनको काफ़ी उनकी जान है वो चली जाती है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सी को क्लीन रखने के लिए यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के द्वारा 2017 में स्टार्ट किया गया था। इसमें है क्या, डिफरेंट NGO गवर्नमेंट जो सिविल सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।